और सिल्वर की बात कर लेते हैं। गोल्ड सिल्वर पे केडिया जी क्या करना चाहिए? हल्की तेजी यहां पर दोनों ही काउंटर में दिख रही है, गोल्ड की तेजी थोड़ी ज्यादा है, क्या करें? दिन के दौरान ये तेजी और बढ़ सकती है क्या? हाँ बिल्कुल, मुझे लगता है कि जिस ढंग से डॉलर में गिरावट है, आप देखिए कल हमने डॉलर में गिरावट देखी, उसके बावजूद सोने और चांदी में भी हमने साइडवे टू नेगेटिव मोमेंट ही देखा है। ये दर्शाता है कि जो मार्च में रेट कट की जो प्रोबेबिलिटी थी वो और कम होगी। सीएमई फेड वॉच टूल की अगर बात करें तो पिछले हफ्ते तक 72% की प्रोबेबिलिटी थी कि हम 0.25% का एक रेट कट मार्च में देखेंगे, बट अब ये माना जा रहा है कि 62% की प्रोबेबिलिटी। तो जैसे से प्रोबेबिलिटी कम आ रही है ये सोने और चांदी पे दबाव लाएगा। इससे पहले वाले हफ्ते में भी मैंने कहा था कि सोने को सपोर्ट करने के लिए जितने भी न्यूज थे वो सब डिस्काउंट हो चुके हैं। लड़ाई जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रही है बट उसके बाद भी हम गोल्ड में गिरावट देख रहे हैं। इंटरेस्ट रेट कट की सीनरियो हमारे सामने आ चुकी है तो मुझे लगता है थोड़ा बहुत अगर बाउंस मिलता भी है 62,400 की तरफ तो बिकवाली करके चलना चाहिए। मुझे लगता है कि और बड़ी गिरावट हम सोने चांदी में अगले 1 हफ्ते 10 दिन में कंटिन्यू देखेंगे। इमीडिएट टारगेट तो 62,000 का है बट पॉसिबल हम 61,760 तक का भी लेवल हम गोल्ड में देख पाएंगे। चांदी के अंदर भी मुझे लगता है कि सेलोन रैली करके ही ट्रेड करना चाहिए। सेलोन रैली, गोल्ड और सिल्वर दोनों में केडिया जी की राय। दिव्या आप भी सहमत है, आपको भी लग रहा है सेलोन राइज का ही मामला है आज गोल्ड सिल्वर में? जी विष्णुमोहन जी, गोल्ड की आप देखे तो शुरुआत नए साल की बिकवाली से हुई, हमें प्रॉफिट बुकिंग देखे मिला प्राइजेस के अंदर एफओएमसी मिनट्स के बाद। मेन रीजन है कि जो डॉलर इंडेक्स में जो लास्ट वीक रैली हुआ ऑलमोस्ट 1% था, उसके वजह से सेंटिमेंट्स है गोल्ड और सिल्वर के तो और नेगेटिव हो गया। साथ ही साथ जो इंडिया जी ने कहा कि जो रेट कट की जो प्रोबेबिलिटी है वो भी कम हो चुकी है मार्च महीने में, तो जहाँ सारे के सारे फैक्टर्स है वो गोल्ड के लिए एज ऑफ नाउ नेगेटिव है। आज हमें एक रिकवरी भले देखने मिला है पर ओवरऑल मुझे लग रहा है कि ये वीक जो है प्राइसेस वोलेटाइल रहेगा। इम्पोर्टेंट डेटा है सीपीआई इन्फ्लेशन का, पर मेरे हिसाब से जब तक कॉमेक्स में जो गोल्ड 2060 के ऊपर सस्टेन नहीं करता तब तक सेलोन राइस का व्यू रखना चाहिए। 62,500 के आसपास सेल करके चले, स्टॉप लॉस हम 62,700 का रखें और नीचे में टारगेट जो है 62,200 का मेंटेन करें। तो आपको भी लग रहा है आज बेचकर ही जाए? दोनों कॉल्स यहाँ पर बिकवाली की सलाह दिव्या की तरफ से ही आ रही है, और जो टारगेट है नीचे की तरफ 62,200 का है और चांदी का है 72,000 का। भाविक आप क्या सहमत है दोनों एक्सपर्ट से? आपको भी लग रहा है आज सेल का दिन है गोल्ड में? जी जरूर सर, देखिए हमने देखा है कि यूएस का जो जॉब्स डेटा है वो बहुत स्ट्रांग आ रहा है, तो उसकी वजह से इकोनॉमी यूएस की स्ट्रांग है तो फेड के ऊपर कोई दबाव नहीं है रेट कट करने का। और इंटरेस्ट रेट अगर देखें तो वो भी स्लोली नीचे हो रहा है, तो अभी अगर देखें तो आई थिंक जैसे इन लोगों ने बताया कि अभी जो प्रोबेबिलिटी है रेट कट की वो भी अभी थोड़ी कम हो रही है। तो आई थिंक जब तक यूएस की इकोनॉमी स्ट्रांग रहेगी तब तक फेड मुझे नहीं लग रहा कि ज़्यादा दबाव में होगा इंटरेस्ट रेट कट करने के लिए, और उसकी वजह से गोल्ड और सिल्वर दोनों में हमें बिकवाली को देखने को मिल रहा है। तो आई थिंक आज के दिन सोने में भी अगर 62,340 के करीब अगर आचा है उछाल तो मैं शॉर्ट की रिकमेंडेशन करूंगा 62,100 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रहेगा 62,500 का। जिगर अभी तीन एक्सपर्ट्स यहाँ पर बेचने की सलाह दे रहे हैं, आपकी खरीदारी की कॉल है, आप कैसे जस्टिफाई करेंगे अपने कॉल्स को? मतलब अगर मार्केट अगर कैसे बनेगा विश्वमोहन, यहाँ पे अगर सब लोग बेचेंगे तो किसी को तो खरीदारी करनी पड़ेगी। और दूसरा अगर मैं रीजन बताऊं, सिल्वर देखिए 76,000 से हमने वन वे फॉल देखा था इन एक सप्ताह में या दो सप्ताह में, एंड अगर मैं गोल्ड की बात करूं तो अराउंड 63,800 से हमने वन वे फॉल देखा है। ओवरऑल टेक्निकली यहाँ पे बेरिश सिग्नल्स मिल रहे हैं, फंडामेंटली भी हमने डिस्कस किया आगे इन लोगों ने कि फंडामेंटली भी बेरिश सिग्नल्स ही मिल रहे हैं, लेकिन थोड़ा बहुत इंट्राडे में बाउंस आने की गुंजाइश है, टेक्निकली बाउंस आने की गुंजाइश है। फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू ओनली अगर गोल्ड फेब्रुआरी कॉन्ट्रैक्ट 62,150 के आसपास मिलता है वन शुड गो लॉन्ग विद द स्टॉप लॉस ऑफ 62,000 फॉर द टारगेट ऑफ 62,400। सिल्वर में अगर मार्च वायदे में 72,300 के आसपास प्राइसेस मिलते हैं 72,100 के स्टॉप लॉस के साथ 72,700 के टारगेट के लिए यहाँ पे लॉन्ग किया जा सकता है प्योरली फॉर इंट्राडे। इंट्राडे के लिए खरीदारी की सलाह, लेकिन आपके कॉल में जिगर एक अच्छी बात यह है कि आपने जो जिस लेवल पे खरीदारी की राय है उसी के आसपास का टारगेट नीचे की तरफ दिया है, और एक और चीज़ है कि आपने जहाँ पर टारगेट दिए है 62,400 के उस पे बेचने की सलाह केडिया जी की है, यानी आपके टारगेट में तो दोनों साइड के ट्रेड है, एक रेंज कह सकते हैं 62,400 ऊपर की तरफ नीचे 62,000 के आसपास का है, तो इंट्राडे के लिए आप दोनों साइड का ट्रेड कर सकते हैं। तो तीन एक्सपर्ट्स को लगता है कि आप बेच कर जाएँ, एक एक्सपर्ट जिगर ऐसे हैं जो इनको लगता है कि यहाँ पर खरीदना चाहिए इंट्राडे के लिए।